नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सबने थंबनेल पे क्लिक किया, बोरिंग का आवेदन करना आज आपको सिखाऊंगा। फ्री में लाख रुपए की बोरिंग करवानी हो, 1.5 लाख की, 2 लाख की करवानी हो या 50,000 की करवानी हो, पूरा का पूरा खर्चा फ्री होगा, सरकार देगी। कैसे करना है वीडियो पूरा देखिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपको 1 महीने के अंदर में आपको पैसा लेना है या 15 दिन के अंदर पैसा लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के, ठीक है फ्रेंड्स। और उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हुए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, समय समय पर आपके लिए लेटेस्ट न्यूज लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है, गूगल में जाना है, लिखना है JJM UP। अगर आप कहीं और से भी हैं, उत्तर प्रदेश के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको करना है इस पर, पहली वाली पे क्लिक करना है। दूसरे तीसरे सारे लिंक है जिनमें से भी आपको क्लिक करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें .gov.in लिखा हो, .org लिखा हो, उनमें से आपको क्लिक करना है। तो हम पहले वाले पे क्लिक कर रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स आप पहले वाले पे क्लिक कर दीजिए। ओके, देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सामने जो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करना क्या है, बगैर किसी देरी के मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत, इस पे आपको क्लिक करना है 22-23 पे आगे। अब जैसे कि आपको फ्रेंड 300-400 फुट करवानी है फ्रेंड, ठीक है, तो उसके लिए आप गहरे नलकूप पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको जैसे फ्रेंड्स की मान के चलिए कि नलका वगैरह लगवाना हो तो आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है, मध्य गहरे यानी इसके अंदर। और अगर आपको पंपी सेट यानी वाटर टैंक जैसा जनरेटर वो वाली लगवानी, जैसे पानी की टंकी होती है, तो इस पे क्लिक करिए। हमें आपको सिंपली फ्रेंड बोरिंग के लिए आवेदन करवाना है तो इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको जनपद सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको विकास खंड का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको वर्ष 23 और 22-23 रहेगा और फ्रेंड्स यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको नीचे आना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म हिंदी में भरना होगा। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो गूगल वॉइस टाइपिंग से कर सकते हैं, कंप्यूटर से भर रहे हैं तो हिंदी इनपुट टूल डाउनलोड कर लीजिए, इस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे आइए, नीचे आने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लाभार्थी का नाम और पूरा पता, यहाँ पर आपका श्री श्रीमती जो भी है अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका नाम, उनके पिता का नाम, यहाँ पर जाति फ्रेंड सामान्य या अनुसूचित जाति जो है आप डाली, ग्राम यहाँ पे डाली यानी आपका जो भी ग्राम सभा लगती है, यहाँ पर पोस्ट डाली जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, यहाँ पर जनपद डाली, यहाँ पर विकास खंड यानी जो आपका ब्लॉक लगता है, यहाँ पर आधार नंबर डालिए, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर बात करते हैं नलकूप स्थल का विवरण। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ग्राम पंचायत आपको डालनी है, राजस्व ग्राम यानी जिस भी जहाँ आपकी जमीन है वो आपका डालना है। जैसे मान के लिए नॉर्मल उदाहरण के लिए नीमपुर मौजा, उसके अंदर में जो आपका गाँव का नाम आता है वो आ जाएगा। यहाँ पर खसरा नंबर फ्रेंड जो आपका भूलेख की नकल होती है उस पर खसरा नंबर मिल जाता है वो डालना है। विकास खंड फ्रेंड यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका ब्लॉक आ जाएगा। तहसील आपको डालनी है जो भी आपकी लगती हो। जनपद यहाँ पे डालना है, जनपद डालने के बाद में नीचे आना है और यहाँ पर देखिए फॉर्म 15 यानी में क्या बनना है, यहाँ पे टिक करना है, लिखना है मेरे पास उत्तर प्रदेश भर में कुल हेक्टेयर जो भी आपकी नकल होगी वहां पर आपका कुल योग लिखा होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड पे क्लिक करना है, मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रावधान ये आपको पूरा पढ़ना है अंतर्गत, इस पे टिक करना है, नीचे आना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको बताते हैं इस पे क्लिक करना है, मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पंजीकृत किसान कृषक हूँ यानी कि आपको किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। सेकंड इस पे क्लिक करना है, पंजीकरण पोर्टल पे दर्ज करने की अनुमति दीजिए। और यहाँ पर सी में फ्रेंड्स आपको डालना है, मैं लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई ये फ्रेंड निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत, पूर्व में कोई भी आपने कोई भी लाभ नहीं लिया, दोबारा से कभी आवेदन नहीं किया या आपके घर में किसी ने नहीं करा हो, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आइए, वहीं पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर टिक करना है, मैं बैंक के माध्यम से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत, देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना, निर्धारित पंप सेट पर आवेदन के माध्यम से, ठीक। उसके बाद में सेकंड में फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, मैं बैंक के माध्यम से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत उथले नलकूप में निर्धारित पंप सेट पर अनुदान के माध्यम से विद्युत डीजल पंप सेट लगवाने के लिए ऋण प्रार्थना पत्र दूंगा तथा इसी वित्तीय वर्ष में पंप सेट स्थापित कर लूंगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर थोड़ा सर्वर इशू हो रहा है, इसके कारण जो है आवाज कट रही है, तो इनमें आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और इनमें से किसी पे भी नहीं करना है, ठीक है। अब वही फ्रेंड नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मैं उद्यान विभाग कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ड्रिप सिंचाई प्रणाली लाभ लेना चाहता हूँ, मैंने कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है जिसका पंजीकरण संख्या ये है फ्रेंड, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। सेकंड में मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम योजना और ऊर्जा संचालित, अगर आपको ये लेना है तो क्लिक करिए, नहीं इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। वहीं सी पे आते हैं, ये भी खाली छोड़ देना है।
उसके बाद मैं इस योजना हेतु असम विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का शर्त का पालन करूंगा, डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। वही नीचे आते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक साइन कर देना, अगर साइन नहीं है तो अंगूठा अपलोड करिए, खसरा यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी नकल खसरा नंबर अपलोड करिए जो आप लेखपाल से बनवाएंगे, खतौनी आपको भूले की नकल अपलोड करनी, यहाँ पर आधार कार्ड की फोटो कॉपी, यहाँ पर अगर कोई और डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक वगैरह तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नीचे आइए, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, वैलिड ओटीपी, और उसके बाद में दिनांक नीचे आना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको इतना करने के बाद में वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद में आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकाल के आपको अपने नजदीकी ब्लॉक में सबमिट करना है, और आपका जो है पैसा एक महीने के अंदर में आपके अकाउंट में आ जाएगा, सारा सामान आपका बोरिंग का उपलब्ध हो